हाय एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी रूपमंत्र हर्बल फेशियल किट का रिव्यू, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर रहकर कैसे फेशियल कर सकते हो। इससे पहले भी मैंने एक फेशियल वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसे पर चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मुझे मेरे पीआर पैकेज में रिसीव हुआ है। इसमें 5 स्टेप्स हैं। इसमें आपको ब्लीच और स्किन पॉलिशिंग जैसा स्टेप नहीं मिल रहा है, बट आपको 5 स्टेप मिल रहे हैं। और इसमें सारी की सारी क्वांटिटी 15 ml है, यानी कि 15 ml का ईच बॉक्स आपको मिलेगा। इसमें 15 ml और 15 ग्राम का अंदर से ही कुछ ऐसा लगता है। और सारे के सारे स्टेप्स मैं आपको 1 by 1 करके भी दिखाऊंगी और बताती भी चलूंगी कि वो स्टेप्स कौन से हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे फेस पे है थोड़ा बहुत मेकअप, मैंने आईलाइनर लगाया हुआ है और ऑल्सो लिप बाम लगाया हुआ, तो मैं उसे एक वेट वाइप्स की हेल्प से रिमूव कर दूंगी। तो जब तक मैं रिमूव कर रही हूँ, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि ये रूपमंत्र हर्बल फेशियल किट जो है वो सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। ये क्लेम करता है कि आपकी स्किन पिगमेंटेशन को रिमूव करता है और स्किन को रेजुनेट करता है, सॉफ्ट करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करता है। सो लेट्स सी, हम लास्ट में देखते हैं कि कितना ब्राइटन अप करेगा। तो इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, बाहर से इसको प्रीति जिंटा एंडोर्स करती हैं। सो बैक साइड पे आपको 5 के 5 स्टेप्स मिल जाएंगे, कैसे लगाना है सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अंदर से कुछ इस टाइप से लगता है। इसके छोटे छोटे क्यूट से बॉक्सेस हैं, जो मुझे बॉक्स जो इसके हैं वो बहुत ही पसंद आया। तो सबसे पहला है इसमें रूपमंत्रा क्लिंजिंग मिल्क, जिसमें आपको कोकम्बर और एलोवेरा जेल इसमें मिला हुआ है, और ये आपकी स्किन में पेनिट्रेट होके आपकी स्किन से जितनी भी गंदगी है, स्किन इम्प्योरिटीज़, उसको जेंटली रिमूव करता है। तो आपको उसका लगाने का तरीका ये है कि 2-3 मिनट तक आपको उसको लगा के रखना है, अच्छे से मसाज करना है, देन किसी भी डैम्प कॉटन से इसको रिमूव कर देना है। तो जितना भी एक्सेस ऑयल होएगा वो आपको इसका रिमूव कर देगा। ऑल्सो ये इससे आपकी जो स्किन होती है वो एक्सफोलिएट करने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप्स करके दिखा रही हूँ, अगर आपको स्टेप्स नहीं आते हैं तो प्लीज़ आप कोई भी स्टेप्स फॉलो ना करें, बस जस्ट आप सर्कुलर मोशन में अपने फेस पर अप्लाई करें। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई ऑन नेक एंड ऑल्सो ऑन हैंड, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी हिस्से होते हैं हमारे चेहरे के और बॉडी के। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बस आपको इस स्टेप से 1 फिंगर की हेल्प से मसाज करना है, और अपनी नोज़ को, चिक्स को अच्छे से मतलब ध्यान में रख के आप नोज़ को लिफ्ट भी कर सकते हो इस तरीके से, अपने चीक्स को भी लिफ्ट कर सकते हो, इससे आपको अच्छा सा ग्लो मिलेगा। फोरहेड पर भी मसाज करना बिल्कुल मत भूलें, एंड बस इस तरीके से आपको अपने फेस को लिफ्ट करना है, दैट्स इट। सो यहाँ पे क्लिंजिंग मेरा लग चुका है। सो अब मैं क्या करूँगी, एक हैंकी मैंने लिया है कपड़ा, उसे गीला करके सारा का सारा मैं इससे पोंछ लूँगी। और यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेप से ही देख सकते हो कि कितना अच्छा मतलब रिज़ल्ट है, मुझे रिज़ल्ट इसका अच्छा लगा। देन इसके बाद है सेकेंड स्टेप, जो कि है फेस स्क्रब। तो फेस स्क्रब आपको लगाने का तरीका इसमें कुछ अलग तरीके से बताया गया है। जस्ट आपको करना ये है कि आपको उसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, जैसे आप फेस पैक अप्लाई करते हो। उसके बाद आपको उसको 2-3 मिनट तक लगाए रखना है, और उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में आपको इसको सर्कुलर मोशन में और अपवर्ड डायरेक्शन में इसको 4 से 5 मिनट तक मसाज करना है। तो यहाँ पर मैं इसको 2 मिनट तक छोड़ूंगी, और 2 मिनट के बाद मैं इसे मसाज करूँगी, लेकिन मैं इसे 4 से 5 मिनट का मसाज नहीं करूँगी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि स्क्रब को इतना मसाज करना ज़रूरी होता है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा 1 मिनट का मसाज बहुत है। नोज़ पर अक्सर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं, सो प्लीज़ आप नोज़ को ज़रूर ध्यान रखो। इसके बाद मैं अपने स्क्रब को इसी वेट वाइप्स की हेल्प से, वेट वाइप नहीं एक्चुअली, वेट कपड़े की हेल्प से रिमूव कर दूँगी, और आप अच्छा सा ग्लो देख सकते हो, कोई भी कट और एडिटिंग नहीं है। स्टेप 3 की बात करें तो ये है मसाज जेल, जो आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में हेल्प करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करता है। इसमें आपको ऑरेंज और पपाया जेल मिलेगा मिक्स, ऑरेंज भी बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। तो यहाँ पर मैं अपने हाथों में और चेहरे पर अच्छे से मसाज कर लूँगी, और उसी कपड़े की हेल्प से इसे मैं रिमूव कर दूँगी। आपको मसाज यहाँ 2 से 3 मिनट तक करनी है, दैट्स इट। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है स्टेप 4, वो है रूपमंत्रा फेस पैक का। और फेस पैक कुछ इस टाइप से है, छोटा सा पैक है, और इसको लगाने का तरीका बिल्कुल सेम वैसे ही है कि आपने चेहरे पर अच्छे से लगा लें, फिर 15 से 20 मिनट तक इसे लगा रहने दें। जब ये 15 मिनट बाद सूख जाएगा तो इसे आप रिमूव कर सकते हैं।
बट मेरा फेस पैक लगाने का तरीका ये है कि मैं ऐसे लगाती हूँ और 8-9 मिनट तक ही करती हूँ, क्योंकि मुझे इसको पूरा ड्राई नहीं करना होता है। मैं अपने फेस से पूरा ड्राई नहीं करती हूँ फेस पैक, जस्ट बिकॉज कि ऑयल जो होता है ना हमारे फेस का, वो भी मतलब सोख लेता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैंने कपड़े से इसको साफ़ किया है, कितना ज़्यादा ब्राइटन अप हो गया मेरा स्किन टोन। मुझे ये फेस पैक काफ़ी अच्छा लगा, मतलब 4 स्टेप करने के बाद मुझे लगा कि हाँ फेशियल में कुछ जान है। तो यहाँ पे कोई एडिटिंग, कोई काट छाट नहीं मैंने की है, आप देख सकते हो बिल्कुल 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 नॉर्मल रिजल्ट है, नॉर्मल तरीके से मैंने किया हुआ है। और अपने हाथों को और अपने गले को लगाना बिल्कुल मत भूलें। नेक्स्ट है स्टेप 5 जो कि है नरिशिंग क्रीम, और ये एक स्टेप थोड़ा यूनिक सा मुझे लगा, क्योंकि यूनिक नहीं है एक्चुअली, मैंने बहुत सारे फेशियल किट में देखा है बट ये मुझे अच्छा लगता है ये स्टेप, क्योंकि ये आपके ड्राई और डल स्किन टोन में एक अच्छी सी जान फूंक देता है। इसको लगाने का तरीका यही है कि आपको इसको लगाना है, 10-15 मिनट तक मसाज करना है, उसको छोड़ देना है, इसको आपको धुलना नहीं है बिल्कुल भी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे चीक्स पे एकदम हाईलाइट वाला ग्लो आ गया है। मैंने यहाँ पर मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ मैंने NYBA की लिपस्टिक लगाई हुई है जो कि ये शेड नंबर 17 अगर आप पूछें तो, और यहाँ पर मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो आई गेस कि मुझे ये जो रूपमंत्रा फेशियल किट है वो काफ़ी अच्छा लगा। मेरी रिकमेंडेशन है आप इसे परचेज कर सकते हो, इसकी प्राइसिंग एंड ऑल सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हो। और या अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।